हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर क्वेस्ट। होपफुली तो सारे वधिया होगे ते बहुत अच्छे तरीके दे नाल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होवोगे। सो जिवें तुहाडे नाल वादा कीता सी कि तुहानू इह सीरीज पूरी दी पूरी कंप्लीट करवावांगे तां जो पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर दा पूरा सिलेबस तुसी विद एमसीक्यू कवर कर सको। सो तुहाडा काम की है, क्लास नू लाइक एंड शेयर करना। अगर तुहानू वधिया लगदी है तां वध तों वध लाइक एंड शेयर करो तां जो पंजाब दे हर कोने दे विच बैठे बच्चे नू इह वीडियोस मिल सकन। सो लेट्स स्टार्ट अज की क्लास में। आप पॉलिटी ऑफ पंजाब स्टार्ट की हुई है। लास्ट क्वेश्चन अपना यही सी कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कदों पास किया गया सी, तो उसका आंसर की सी कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 दे विच पास किया गया सी। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन किस पार्टी के द्वारा पास किया गया सी। तो पता होना चाहिए कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन किस पार्टी के द्वारा पास किया गया सी। तो आंसर होएगा ऑप्शन बी, अकाली दल पार्टी के द्वारा। किस पार्टी के द्वारा किया गया सी? अकाली दल पार्टी के द्वारा। देखो सानू क्वेश्चन आते होंगे ने, बट इन्ना ज़्यादा सारा प्रेशर बन जाता है साढ़े एग्जाम के विच कि इन्नी ईजी क्वेश्चन भी आप गलत करके आने। सानू लगता है यार इन्ना ईजी आंसर तो हो नहीं सकता, अकाली दल नहीं हो सकता, की पता खालसा राज पार्टी ने किया हो। सो एवें क्वेश्चनस नू गलत नहीं करके आना, तो तुसी तुहानू पता होना चाहिए कि असी पढ़िया सी, हाँ असी बिल्कुल सही हाँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा, ऑप्शन बी आंसर आएगा कि अकाली दल ने 1973 दे विच केड़ा रेजोल्यूशन पास किया सी, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हां विचों केड़ा आनंदपुर साहिब दे मते दा उद्देश नहीं है। कहिंदे केड़ा है जेड़ा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। कहिंदे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करन दे लई जेड़े ऑब्जेक्टिव रखे गए सन, उद्देश रखे गए सन, नीचे दित्तियां दे विचों केड़ा उद्देश नहीं है। फर्स्ट है कहिंदे टू डिवेलप अ सैपरेट आइडेंटिटी फॉर सिख फेथ। कहिंदे सिख धर्म की वक्री पहचान करन दा एक प्रयास किया गया सी तां जो सिख धर्म की अपनी एक वक्री पहचान होवे, ये तो उन्हां दा उद्देश है ही सी। नेक्स्ट है कहिंदे एक्सप्लेनिंग द पॉलिसीज ऑफ श्रोमणी अकाली दल। कहिंदे श्रोमणी अकाली दल दी नीतियां बारे दसना, बिल्कुल सही। जो श्रोमणी अकाली दल ने इसनों स्टार्ट किया सी तो उहदा एक उद्देश यह भी सी कि तां जो अपनी पार्टी दी नीतियां बारे दस सके। नेक्स्ट है जी कहिंदे टू हैंड ओवर ऑल द लॉ मेकिंग पावर्स टू द स्टेट इंक्लूडिंग फॉरन रिलेशन रेलवे एक्सेट्रा। कहिंदे विदेश संबंधी रेलवे समेत राज नूं अधिकार बनाउण वाले सारे कानून सौंपणे। कहिंदे स्टेट नूं सारे कानून सौंप दो कि उही इहनां द्वारा लॉ बनाउण। नहीं जी, ऐसी कोई डिमांड नहीं सी कीती गई। नेक्स्ट है डिमांड फॉर द सैपरेट कैपिटल ऑफ पंजाब, ये भी सही है जी। सो इस दे विच आंसर यह है कि उस समय की जिहड़ी मूवमेंट सी उहदा ऑप्शन सी इज नॉट अ उहनां दा की नहीं सी उद्देश नहीं सी। नेक्स्ट है कहिंदे हू इज द हैड ऑफ द स्टेट लैजिस्लेचर। कहिंदे स्टेट लैजिस्लेचर का हैड कौन हुंदा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन के स्टेट लैजिस्लेचर का हैड हुंदा है जी साडा स्पीकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीकर हुंदा। नेक्स्ट है कहिंदे टू हूम डज द गवर्नर ऑफ पंजाब हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन लैटर। कहिंदे अपना रिजाइन, कहिंदे पंजाब का राजपाल अपना अस्तीफा किसनों सौंपता है, तो पता होना चाहिए कि राजपाल अपना अस्तीफा उसनों ही सौंपता है जिसने उसनों अपॉइंट किया होंगे। तो वह कौन होंगे जी, वह होंगे साडा प्रेसीडेंट साहब। कौन होंगे ने जी साडे प्रेसीडेंट। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, प्रेसीडेंट। गवर्नर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए है जी, मात्र 35 साल तुसी अपनी जिंदगी दे पूरे किते होने चाहिए ने। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हु गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम पंजाब। कहते पंजाब तो किसनों भारत के प्रधानमंत्री बनने का मान प्राप्त होया। ठीक है, सबनों प्रेजिडेंट पता होएगा, ज्ञानी जैल सिंह 1971 वाले का समान। ठीक है, बट प्रधानमंत्री भी याद रखना है कि किसनों मिले, तो आंसर होएगा ऑप्शन ए, आई के गुजराल। ठीक है, आई के गुजराल नू मौका मिले। नेक्स्ट है कहते हु गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन है जी, हाँ जी। ए नेक्स्ट है क्वेश्चन कहते विच सीएम ऑफ पंजाब गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया। कहते केड़ा सीएम सी पंजाब का जिसनों इंडिया का प्रेसीडेंट बनने का मौका मिले, तो आंसर की होएगा जी इसका, ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह वही बंदे ने जिन्होंने एक बार पॉकेट विटो यूज किया। ठीक है, किसनों यूज किया, पॉकेट विटो।
नेक्स्ट है कहते हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वर द इलेक्टेड फॉरम पंजाब, कहते किन्ने प्राइम मिनिस्टर ने साडे इंडिया दे जेडे पंजाब तो इलेक्ट हुए ने, तो आंसर होएगा ऑप्शन बी 3 ने जी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हु एडमिनिस्टर्स पंजाब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल, कहते हु एडमिनिस्टर्स द पंजाब ड्यूरिंग द, कहते अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए किस आर्टिकल दे अंडर लगता है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 दे अंदर, कहते अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए सारी कंट्री दे विच सॉरी सारी पंजाब दे विच, तो उस समय पंजाब नू द पंजाब दा प्रबंधक ढांचा जां पंजाब नू एडमिनिस्ट कौन करेगा, तो आंसर है जी सी प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑब्वियसली गल है प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है, क्योंकि एमरजेंसी भी प्रेसिडेंट ही इंपोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कहते हाउ मेनी टायर्स ऑफ पंजाब पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन पंजाब, कहते पंजाब दे विच पंचायती राज दे किन्ने टायर ने, सबनों पता होना चाहिए कि पंचायत तीन टायर दे उत्ते है, ग्राम पंचायत होगी, साड़ी पंचायत समिति होगी, ते थर्ड होगी साड़ी जिला परिषद, ये तो हैगी पिंडां दे लैवल ते, ये साड़ी ब्लॉक लैवल ते, ते जिला लैवल दे उत्ते। ये रिकमेंडेशन दित्ती किन्ने सी, ये दित्ती सी जी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इस रिकमेंडेशन दे अकॉर्डिंग सब तो पहली पंचायत किथे बनी सी, राजस्थान दे विच बनी सी, 2 अक्टूबर 1959 दे विच बनी सी। ठीक है जी, सो इत्थे पुछिया गया पंजाब दे विच किन्ने टायर ने, पंजाब दे विच ऑप्शन सेकंड 3 टायर ने पंजाब दे विच भी। नेक्स्ट है कहिंदे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर पंजाब विधानसभा मीटिंग, सानू पता है ना कि साडा एक क्वारम मेंटेन करना हुंदा है, ठीक है, क्वारम मेंटेन करना हुंदा है, तो वो की कहंदे हुंदे ने कि 1/10 पार्ट ऑफ द हाउस प्रेजेंट होने चाहिए ने जे कोई मीटिंग करनी है, तो पूछे कि पंजाब दी विधानसभा दी अगर कोई मीटिंग करनी है तो मिनिमम किन्ने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए ने, ऑप्शन डी 12, टोटल विधानसभा दे विच किन्ने ने 117 ने, मिनिमम 12 मेंबर की होने चाहिए ने प्रेजेंट होने चाहिए ने। नेक्स्ट है कहिंदे हु प्रेजेंट द बजट इन पंजाब विधानसभा, सबनों पता हुण थोड़ा टाइम पहला ही बजट आया सी कि पंजाब दी विधानसभा दा बजट कौन पेश करदा है, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसणा है कि साडे पंजाब दे फाइनेंस मिनिस्टर वित्ती मंत्री कौन ने, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है कहिंदे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन, कहिंदे पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन दे चेयरपर्सन कौन हुंदे ने, कहिंदे हु इज चेयरपर्सन ऑफ पंजाब स्टेट विजिलेंस कमीशन दे कौन हुंदे ने, ऑप्शन डी विजिलेंस कमिश्नर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कौन हुंदे ने विजिलेंस कमिश्नर हुंदे ने। नेक्स्ट है कहिंदे विच इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पंजाब, कहिंदे पंजाब दी सब तो पुरानी पार्टी केड़ी है, बहुत ईजी है जी, ऑप्शन बी श्रोमणी अकाली दल, सब तो पुरानी केड़ी है श्रोमणी अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहिंदे व्हाट इज द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पंजाब विधानसभा, कहिंदे पंजाब दी विधानसभा दे विच किन्ने मेंबर होने चाहिए ने, एक किस बेस से उत्ते सिलेक्ट किया जाता है, सबनों पता है कि ऐसियां सीट्स सिलेक्ट की जाती है डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कहिंदे हाउ मैनी म्यूनसीपल कमेटीज आर देयर इन पंजाब, कहिंदे पंजाब दे विच किन्नियां म्यूनसीपैलिटी कमेटीज ने, तो आंसर होएगा ऑप्शन बी 167, ठीक है, किन्नियां ने जी 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहिंदे व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पंजाब विधानसभा, कहिंदे पंजाब विधानसभा का किन्ना समा हुंदा है, सबनों पता है मैक्सिमम 5 साल लिए बनाई जाती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, मैक्सिमम किन्ने समय दे लिए 5 साल दे लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है इन्नू डिसॉल्व की भी किया जा सकता है, किदे द्वारा, गवर्नर दे द्वारा। नेक्स्ट है कहिंदे व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टू बिकम एमएलए इन पंजाब, कहिंदे घट तो घट किन्नी उम्र होनी चाहिए है पंजाब दा एमएलए बनने लई, तुहानू मैं दस्सिया सी कि अगर तुसी एमपी बनना चाहुंदे हो राज्यसभा दे विच तां मिनिमम एज तुहाडी 25 होनी चाहिए है, उही सेम क्राइटेरिया इत्थे लागू करदा, 25 साल होनी चाहिए है, अगर सरपंच बनना तां तुहाडी 21 साल होनी चाहिए है, अगर तुसी लैजिस्लेटिव कौंसिल दे बनना है तो तुहाडी 30 साल होनी चाहिए है, अगर तुसी लैजिस्लेटिव कौंसिल जां राज्यसभा दे मैंबर बनना है तो उम्र 30 साल, अगर तुसी लोकसभा जां लैजिस्लेटिव असैंबली दे मैंबर बनना है तो 25 साल होनी चाहिए है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਗਜਿੰਦੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇ, ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ। ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਬਿਕਮ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਜੀ ਬੀ ਮਲਮਕਾਰ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਗੋਟ ਦ ਆਨਰ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਵਾਰ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਕੀ ਸੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ, CM ਬਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਟ ਦ ਆਨਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫਸਟ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਟ ਦਾ ਆਨਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਟ ਦਾ ਆਨਰ ਟੂ ਬਿਕਮ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਮੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੋਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਟ ਦਾ ਆਨਰ ਆਫ ਬਿਕਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਵਾਸ ਦ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਦ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵਾਸ ਇੰਪੋਜ਼ਡ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982 ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।